कल्चरल साइकोलॉजी ट्राई एंगुलर थेरी ऑफ लव अच्छा अब ये क्या बला है ट्राई एंगुलर थेरी ऑफ लव हम क्योंकि इमोशंस की बात कर रहे हैं तो अगर इमोशन्स की बात करें और मोहब्बत की बात ना करें तो वो बड़ा स्ट्रेंज है क्योंकि इट्स द टॉप नंबर वन इमोशन डेट मोमेंट वी आर बॉर्न इट स्टार्ट डिवेलपिंग इन अस और उसका एक्सप्रेशन बाद में होता है लेकिन मोहब्बत की जो जड़ है और उसका जो एक्सपीरियंस है वो बच्चे को बहुत जल्दी फ़ील होना शुरू हो जाता है थ्रू अटैचमेंट एंड थ्रू एक्सपीरियंसिंग लव फ्रॉम मदर एंड देन लव फ्रॉम फैमिली एंड देन फ्रॉम अदर देर इज़ अ लॉट ऑफ लव कमिंग टू अ न्यू बॉर्न चाइल्ड कम अज़ कम <laughs> बड़ा होने तक हो सकता है कि उसकी तरफ आने वाली मोहब्बत कम हो जाए लेकिन बचपन में बहुत होती है तो लव जो है वो ह्यूमन एक्सपीरियंस का एक बहुत अहम और गहरा हिस्सा है और हमारी क्लोज़ रिलेशनशिप्स में इसका बहुत बहुत रोल है और उसकी बहुत इम्पॉर्टेंस है इसीलिए रिसर्चर्स ने लव के ऊपर बहुत लिखा है और तकरीबन बहुत से और सब्जेक्ट में साइकोलॉजी के अलावा इसका जो फ्रेमवर्क है वो बड़ा यूनिक है फीलिंग की बात हो रही है ना तो फिलोसॉफिकल भी है ऑथर का नाम मैंने लिखा हुआ है इको इकोनॉमिक्स के हवाले से भी लोगों ने किया हुआ है यानी हाउ मच डू यू लव योर पोजेशन योर बिलोंगिंग्स योर मनी न्यूरोबायोलॉजिकल भी है कि ब्रेन में क्या हो रहा होता है और एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव भी है कि क्या जानवरों इंसानों में मोहब्बत का जज्बा किस तरह होता है कैसे जाहिर होता है बिकॉज इट्स अक्रॉस ऑल द स्पीशीज वेल वी डोंट नो अबाउट इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स बट वी डू नो दैट दे स्टिक टुगेदर दे प्रोटेक्ट ईच अदर देप ईचर तो कोई लव का लेकिन हम उनको उसमें स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि हम उनको पूछ नहीं सकते जबकि जानवरों में लव जो है माँ बच्चे का या दोस्ती का या मेटिंग का कपल्स का वो जो है वो देखा गया है अच्छा अब ये ट्राइंगर जो थेरी है इसके लिए स्टर्नबर्ग की एक्चुअली लव की एक, एक थेरी है जिसने स्टर्नबर्ग का ट्राइंगर लव स्केल है ये एक प्रोमिनेंट थ्रेटिकल कॉन्सेप्ट है एम्परिकल रिसर्च में जो लव के ऊपर है तो जो कल्चरली होमोजेनस बॉडी है जो प्रीवियस साइकोमेट्रिक रिसर्च हुई भी है इसके साथ वो ये होते हैं कि किसी एक ही कल्चर में थी ये जो स्टडी है जिसका हम भी हिस्सा थे पंजाब यूनिवर्सिटी से हम दो रिसर्चर थे हमने पाकिस्तान का डाटा इकट्ठा किया और बाकी मुल्कों के जो लोग थे उनसे उनके अपने अपने रिसर्चर ने किया और फिर उन लोगों से ये सवाल पूछा ये कोई ग्यारह हज़ार से ज़्यादा लोग थे जिनमें से कुछ आंसर ऐसे हो जाते हैं जो कि नहीं शामिल हो सकते रिसर्च में तो वो करके भी फाइनली सात हज़ार तीन सौ बत्तीस लोग जो है वो दुनिया के पच्चीस मुल्कों से इस रिसर्च में शामिल हुए जो दुनिया के तमाम बरे आज़मों से थे लाइक अफ्रीका से भी ऑस्ट्रेलिया से भी नॉर्थ अमेरिका से भी साउथ एशिया यानी पाकिस्तान से भी मिडल ईस्ट से भी तो स्केल को ये टेस्ट किया गया कि ये तीन जो एस्पेक्ट हैं लव के यानी मोहब्बत को फील करना मोहब्बत के हिसाब से हासिल करने की ख्वाहिश रखना और मोहब्बत के लिए किसी एक्शन को इस्तेमाल करना तो ये जो थेरी है ये इस रिसर्च को जिसके आगे मैंने ये रेफरेंस भी इसकी दी हुई है आपकी जो रीडिंग लिस्ट है कोर्स आउटलाइन के साथ और जो आपको दी जाएगी इसमें मोहब्बत को इस तरह देखा गया है कि इसके तीन पहलू हैं क्योंकि हम जब कहते हैं कि मोहब्बत क्या है तो डू वी गिव अप समथिंग फॉर डू वी ओनली वांट फॉर आर सेल्फ या वी वांट इट फॉर अदर पर्सन ऑल्सो यानी मोहब्बत अपनी सेल्फिश होती है या दूसरा आपकी का हिस्सा बन जाता है और तीसरा ये है कि आप मोहब्बत में हासिल क्या करना चाहते हैं सो so, इस थेरी को देख के ये अब ये क्रॉस कल्चरल एक रिसर्च हुई है अब देखना ये कि पाकिस्तान में भी मोहब्बत के टॉपिक पे हुई भी है तो मैं सिर्फ एक की मिसाल दूंगी। आपको यहाँ दो तस्वीरें नज़र आ रही होंगी एक खुशी की और एक उदासी की एक ही चेहरा है ये सना सागिर हैं साइकोलॉजी के स्टूडेंट उन्होंने पर्सनैलिटी रोमांटिक एटीट्यूड और हैप्पीनेस पे काम किया था और ये एक जर्नल में छपा है इसमें ये पता चला कि पर्सनैलिटी का ताल्लुक तो हैप्पीनेस से है जैसे जो लोग बहुत वहम करते हैं वो इतने खुश नहीं होते जो लोग ओपन होते हैं वो ज़्यादा खुश होते हैं जिनका मिजाज मुतहमल होता है बैलेंस्ड होता है वो ज़्यादा खुश होते हैं जो निरोटिक होते हैं बहुत ज़्यादा वरी फिक्र लोगों के बारे में बुरे ख़्यालत वो इतने खुश नहीं होते जो कॉन्शियनशस होते हैं यानी फ़र्शनास होते हैं वो भी अक्सर अववात खुश रहते हैं लेकिन उन्हें थोड़ी सी एंग्जाइटी भी होती है क्योंकि वो फ़िक्र में लगे रहते हैं कि मैं काम ठीक तरीके से करूँ तो ये जो सारे एस्पेक्ट पर्सनैलिटी के देखे उन्होंने उसमें हमारा ख्याल था कि जो रोमेंटिक एटीट्यूड है ना उसका पर्सनलिटी से भी ताल्लुक़ है और उसका ख़ुशी से भी ताल्लुक़ है लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग हमारी जो है वो रिज़ल्ट आए वो ये कि रोमै पर्सनैलिटी से तो रोमेंटिक एटीट्यूड का ताल्लुक था एग्रीबलनेस से और यानी खुश मिजाजी से और उसके साथ फिर इमोशनल बैलेंस से एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन से भी कि आप किस हद तक आउट गोइंग हैं कितने सोशल हैं लेकिन हैप्पीनेस का डायरेक्टली रोमांटिक एटीट्यूड से कोई रिलेशनशिप नहीं निकला अलबत् रोमांटिक एटीट्यूड का वो जो न्यूरोटिक एंग्जाइटी थी उससे निकला और जितना रोमांटिक एटीट्यूड है उतनी ही एंग्जाइटी है हमने से ये नतीजा निकाला कि हमारे यहाँ मोहब्बत करना आसान नहीं है तो यंग लोग क्योंकि यंग लोगों की स्टडी थी जब वो मोहब्बत का जिक्र ही करते हैं तो उनके दिल बड़े धड़क रहे होते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा इसको सोसाइटी में क्या मिलेगा ये रिश्ता होगा कि नहीं क्या ये मोहब्बत शादी में बदलेगी तो खाली एटीट्यूड रखना काफ़ी नहीं उसके साथ एक थोड़ी फिक्र परेशानी जो है उसकी वजह से वो मोहब्बत में खुश नहीं हो सकते क्योंकि वो अगली बात सोच रहे होते हैं ये समझ रहे हैं कि टी वी ड्रामो में जो अनहैप्पी एंडिंग्स होती हैं और जो मसाइल पेश आते हैं उसका सोच रहे होते हैं इसीलिए हमने यहाँ दो चेहरे दिए हैं एक मुस्कुराता हुआ और एक उदास ये जर्नल की वेबसाइट है जिसका मैंने आगे दिया हुआ इट्स अ कापी रईटेड फॉर दैट जर्नल बट आई एम वन ऑफ द ऑथर्स फॉर दिस इसको क्योंकि इस पर भी आपने समरी लिखनी है और जो हमने पहले ट्राइंगर थेरी ऑफ लव की बात की है उस पर भी लिखनी है तो इसलिए हम इसको इनक्रेज करेंगे कि आप इस इस लिंक पे जाएंगे उसको पढ़ेंगे और पढ़ के उसको फिर आपने रिपोर्ट लिखनी होगी